नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच बढ़ाने को कहा। देश में अब तक कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 158,74,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर विभिन्न उम्मीदवारों के खिलाफ 143 मामले दर्ज किए। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे सहित सभी हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 5 कट्टर माओवादी मारे गए। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, कहा निर्दोष नागरिकों पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य और मानवता के खिलाफ। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को उनके लंदन स्थित घर से बेदखल करने का आदेश दिया और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पाल में खेला जाएगा। समाचार प्रभात ने देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-97-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारे भाग्यशाली विजेता हैं असम में धेमाजी के बिस्वाज्योति दास। मेरा नाम विश्वज्योति दास है, मैं धेमाजी असम का रहने वाला हूँ और पूरे असम राज्यों की ओर से मैं आकाशवाणी समाचार को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार रोज सुनता हूँ और मुझे इससे सभी जानकारी मिलती है। मैं सभी श्रोताओं को आजादी के अमृत महोत्सव का शुभकामना देता हूँ। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 24 जनवरी को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 88265462 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा।
साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आरती आहूजा ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है कि वे इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और नीतिगत स्तर पर जांच बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर वायरस की श्रेणी में रखा है। ओमिक्रॉन देश में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच में कमी आई है। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी परामर्श का उद्देश्य शीघ्र जांच से तुरंत पृथकवास और उपचार करना है। इससे संक्रमण के नए क्लस्टर और स्थानों की पहचान करने में मदद मिलती है और महामारी की रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। केरल सरकार कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद करने पर विचार कर रही है। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा कि कल कोविड समीक्षा बैठक में इस बारे में फैसला लिया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं की संभावना पर भी इस बैठक में विचार होगा। इस बीच राज्य में कल 28,481 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में दैनिक संक्रमण दर 35% से अधिक हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में कोविड प्रतिबंधों को तेज कर दिया जा रहा है। गुजरात में कल 17,119 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक 9,53,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अहमदाबाद नगर निगम में कल 23 नए कोविड नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा की गई। देश में अब तक 158,74,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 65,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 56,42,000 से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि एहतियाती डोज लेने वाले लोगों में कोविड का खतरा कम होता है। जब वैक्सीनेशन लगता है तो समय के अनुसार धीरे धीरे बॉडी की जो एंटीबॉडीज है कम हो जाती है, तो हमें बूस्ट करना होता है और बूस्ट करने को ही बूस्टर डोज बोलते हैं। जैसे ही बूस्टर डोज लगेगा तो आपकी एंटीबॉडीज बहुत अच्छी बन जाएंगी। और हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव और बाहर के देशों में भी एक्सपीरियंस किया कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज अच्छी होती है, अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत कम सीवियर होता है, उनको जान जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के खिलाफ 143 मामले दर्ज किए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक 77 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस चरण के लिए 21 जनवरी तक पर्चे भरे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में चुनाव के दूसरे चरण के लिए 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी ने श्रावस्ती जिले से 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। इस बीच राजनीतिक दलों ने राज्य में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी आज 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का अभियान शुरू करेगी। पार्टी आज 2 वर्चुअल रैली भी करेगी। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल वर्चुअल माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं से वीडियो के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात करें और उन्हें वोट देने का महत्व समझाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मथुरा में प्रचार किया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कल लखनऊ में घोषणा की कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने राज्य में 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राज्य में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच बढ़ाने को कहा।
देश में अब तक कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 158 करोड़ 74 लाख से अधिक टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर विभिन्न उम्मीदवारों के खिलाफ 143 मामले दर्ज किए। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे सहित सभी हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 कट्टर माओवादी मारे गए। भारत ने संयुक्त अरब अमारात में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, कहा निर्दोष नागरिकों पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य और मानवता के खिलाफ है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को उनके लंदन स्थित घर से बेदखल करने का आदेश दिया और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पार्ल में खेला जाएगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले 20 जनवरी से दिल्ली में ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे और पैराग्लाइडर सहित उड़ने वाले सभी हवाई उपकरणों के संचालन पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि राजधानी में आतंकवादी हमले की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन सभी हवाई उपकरणों पर 15 फरवरी तक रोक रहेगी। वित्त और कंपनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि एंट्रिक्स देवास सौदों के जरिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि यह धोखाधड़ी कैसे हुई। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि यूपीए सरकार इस अनुचित सौदे में शामिल थी। This is a fraud. This has come out very clearly through the Supreme Court order. And now it should be the Congress party's turn to explain how this was allowed, explain how the cabinet was kept in dark, and explain how it took them 6 full years to have this kind of a fraud perpetrated on the people of India. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल के देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत निर्धारित 60 दिनों से अधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। श्री देशमुख को 2 नवम्बर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कल सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 2 महिला माओवादियों सहित 5 कट्टर माओवादी मारे गए। तेलंगाना की ग्रे हाउंड फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड की टीम जब कल सुबह इलमडी इलाके में संयुक्त अभियान चला रही थी तब माओवादियों ने सिमाल डोडी गांव के निकट सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये इलाका तेलंगाना के मुलुगु जिले में छत्तीसगढ़ सीमा के निकट है। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद एक महिला सहित 5 माओवादियों के शव बरामद किए गए। आकाशवाणी से बातचीत में मुलुगु जिले के पुलिस अधीक्षक संग्राम सिंह गणपत पाटिल ने बताया कि इस मुठभेड़ में ग्रे हाउंड फोर्स का एक जवान घायल हो गया, उसे हैदराबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। एक अन्य मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में काटे कल्याण इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने सोमवार को संयुक्त अरब अमारात में हुए आतंकी हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत के बारे में चर्चा की। श्री नाहयान ने हमले के बारे में जानकारी साझा की और भारतीय नागरिकों की मौत पर अपनी सरकार की ओर से गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने आश्वासन दिया कि संयुक्त अरब अमारात सरकार मृतकों के परिवारों को पूरी सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके अधिकारी भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में हैं। डॉ जयशंकर ने आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों पर इस तरह का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है और मानवता के खिलाफ है। उन्होंने संयुक्त अरब अमारात प्रशासन की ओर से दूतावास को उपलब्ध कराई गई तत्काल सहायता की सराहना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस घड़ी में भारत संयुक्त अरब अमारात के साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय मृतकों के शव भारत लाने के संबंध में अबुधाबी में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में है।
दूतावास परिवारों के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने घायल हुए व्यक्तियों को भी सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और उसके परिवार को लंदन स्थित उसके घर से बेदखल करने का आदेश दिया है। माल्या के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है। स्विस बैंक यूबीएस कथित तौर पर उसकी संपत्ति पर कब्जा करेगा। अदालत का यह फैसला स्विस बैंक के बकाया 185 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड मामले में आया है। अदालत ने स्विस बैंक के रुख से सहमति जताई है कि माल्या को इस मामले में और समय देने से कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है। अदालत ने इस आदेश के खिलाफ अपील करने या अस्थायी रोक लगाने की अनुमति को भी खारिज कर दिया। यूबीएस अब अपने कर्ज की वसूली के लिए संपत्ति पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेटसोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं। सुश्री मेटसोला गर्भपात विरोधी रुख को लेकर विवादों में रही हैं। इसके बावजूद यूरोपीय संघ के सांसदों ने उन्हें अध्यक्ष चुना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग सीरीज के अंतर्गत 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पार्ल में बॉलेन पार्क में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 2 बजे से शुरू होगा। केएल राहुल को 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने हाल में भारत को टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से हराया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। ब्रह्म सनातन तुम्ही है निखिल तारुण निखिल जनमंगल कारण। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात समाज सुधारक और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की। उनका देहांत 19 जनवरी 1905 को हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को अपनाया और ब्रह्म समाज में इनका प्रसार किया। देवेंद्रनाथ का जन्म 15 मई 1817 को कलकत्ता के एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर उद्योगपति थे। देवेंद्रनाथ को युवावस्था में ही दूसरों से अलग रहने की भावना विकसित हो गई थी और 30 वर्ष का होने तक वे आध्यात्मिक सत्य की खोज में अधिक समय व्यतीत करने लगे थे। बाद में तो जैसे वे उसी पथ के राही बन गए। देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की जो दार्शनिक जिज्ञासा के माध्यम से आदि धर्म और उपनिषदों की शिक्षा को प्रोत्साहन देती थी। इसके लिए देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी पत्रिका भी आरंभ की। उस पत्रिका में ब्रह्म धर्म के औचित्य पर लेख होते थे। उसमें आस्तिकतावाद के साथ साथ महिला शिक्षा विधवा विवाह का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। पत्रिका में बहुविवाह प्रथा की निंदा भी की जाती थी। 21 दिसंबर 1843 से देवेंद्रनाथ ने समाज को आध्यात्मिक समुदाय में बदल दिया जो प्रार्थना के लिए नियमित रूप से एकत्र होता था। देवेंद्रनाथ ने 1848 में उपनिषदों के चुनिंदा अंशों पर आधारित पुस्तक ब्रह्म धर्म प्रकाशित की।
उस पुस्तक में अद्वैतवाद और तर्क शास्त्र पर बल देने वाले आदि धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। वे सिद्धांत व्यक्तिगत ध्यान पर केंद्रित थे, जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को अस्वीकार करते थे। 1860 के दशक में देवेंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए, जहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन जारी रखा और ब्रह्मवाद की सीमाओं पर चिंतन किया। कई वर्ष उपरांत रविन्द्रनाथ ने उसी स्थान पर अपने स्कूल और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंतिम समय तक देवेंद्रनाथ भारतीय समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय की स्मृति को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानियों हुकुम चंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोनों 19 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। हुकुम चंद जैन का जन्म 1816 को हिसार जिले के हांसी में हुआ था। वे दिल्ली में बहादुर शाह के दरबार में उच्च अधिकारी थे। उन्हें 1841 में हांसी और करनाल जिले के कुछ क्षेत्रों का कानूनगो नियुक्त किया गया था। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुनकर वे दिल्ली पहुंचे। वे मुगल दरबार में देशभक्त नेताओं की सभा में शामिल हुए, जिसमें तांतिया टोपे जैसे महान क्रांतिकारी भी आए थे। उन्होंने हरियाणा में स्वतंत्रता संघर्ष चलाने का प्रस्ताव रखा और हांसी वापस आने पर सेना को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ ब्रिटिश संचार प्रणाली पर धावा बोला और साधारण हथियारों से लैस अपने सैनिकों के माध्यम से ही अंग्रेजों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने साथी मिर्जा मुनीर बेग के सहयोग से मुगल शासक को पत्र लिखा और उनसे सेना भेजने का आग्रह किया, लेकिन इस बीच दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया और मुगल रिकॉर्ड में उनके तथा मिर्जा मुनीर बेग के हस्ताक्षर वाला पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गया। ब्रिटिश कमिश्नर ने तुरंत हिसार के कलेक्टर को लाला हुकम चंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके घरों पर छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। दोनों शहीदों को आकाशवाणी का शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ। निशान श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में अहमदनगर किले की कहानी आकाशवाणी की जुबानी प्रस्तुत की जाएगी। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के, आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है, हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छा सकते हैं। कोलकाता में सुबह कोहरा था, लेकिन दिन में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और गिलगित में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। लेह में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी, कोहिमा, ईटानगर और इम्फाल में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
देवेंद्र अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, कोरोना संक्रमण पर जनसत्ता की सुर्खी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा, कोरोना जांच बढ़ाएं, महामारी के प्रसार पर प्रभावी नजर रखने के लिए यह कदम जरूरी। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, तीसरी लहर का पीक 3 हफ्ते में। उधर देश के 6 प्रमुख महानगरों में कोविड के नए मरीजों के घटने के सुखद संकेत पर दैनिक भास्कर का कहना है, मुंबई के बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में भी नए मरीज घटने शुरू हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण एस बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में धोखाधड़ी से जुड़े एंट्रिक्स देवास सौदे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान को अखबारों ने अहमियत दी है। हरिभूमि की सुर्खी है, एंट्रिक्स देवास सौदा कांग्रेस का बड़ा फ्रॉड, देश की सुरक्षा से किया गया खिलवाड़। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणों ने भारत सरकार को सौदा निरस्त करने के एवज में $1,30,00,000,000 का भुगतान करने का दिया था आदेश। हिन्दुस्तान ने वित्त मंत्री के हवाले से लिखा है, देवास को विदेशों में भारतीय संपत्तियां जब्त करने से रोका जाएगा। राजस्थान पत्रिका नई शुरुआत शीर्षक से लिखता है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, सेना का प्राइवेट सेक्टर से 96 करोड़ का करार। विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। जनसत्ता की टिप्पणी है, राजनीतिक दलों ने शुरू किया डिजिटल प्रचार, रोचक हैशटैग और जोशीले धुन से लैस है अभियान। फेसबुक और यूट्यूब पर मतदाताओं को संदेश, निर्वाचन आयोग ने डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन की जानकारी देने के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च वाले खंड में एक नया कॉलम जोड़ा। दैनिक जागरण लिखता है, भारतीय रिजर्व बैंक से राहत के बाद भी ग्राहकों के लिए कंजूस रहे बैंक, केंद्रीय बैंक ने जितनी राहत दी उसकी आधी से कुछ ही ज्यादा ग्राहकों तक पहुंची। 2 वर्षों में रेपो रेट 250 आधार अंक गिरा, लेकिन कर्ज की दरें केवल 155 आधार अंक ही घटी। अब कुछ और समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने कल अवैध भूमि खनन मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के फ्लैट सहित पंजाब में 12 परिसरों पर छापे मारे। ये कार्रवाई धनशोधन अधिनियम के तहत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच बढ़ाने को कहा। देश में अब तक कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 158,74,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर विभिन्न उम्मीदवारों के खिलाफ 143 मामले दर्ज किए। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे सहित सभी हवाई उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 5 कट्टर माओवादी मारे गए। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, कहा निर्दोष नागरिकों पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य और मानवता के खिलाफ है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को उनके लंदन स्थित घर से बेदखल करने का आदेश दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पाल में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।